के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी संबंधित दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों यहां पर देख पा रहे हैं आप, बालिका के यौना प्रारंभ यानी कि यौना प्रारंभ पर उत्पन्न लक्षण। दोस्तों जो बालिकाएं होती हैं, जो बालिका होती हैं यानी दोस्तों जो स्त्रियां होती हैं या पुरुष होते हैं, उनके यौना प्रारंभ में क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उनमें लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, तो इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बालिकाओं में रजोधर्म प्रारंभ होने से पूर्व होने वाले परिवर्तनों में अंडाशयों तथा उनके सहायक अंगों का विकास सम्मिलित है। बात समझ में आ रही है, आप देख पा रहे हैं जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट लिख रहा है, बालिकाओं में रजोधर्म प्रारंभ होने से पूर्व होने वाले परिवर्तनों में अंडाशयों तथा उनके सहायक अंगों का विकास सम्मिलित है, यानी कि इन सभी जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखता है जैसे रजोधर्म और उनके कुछ सहायक अंग है, इनमें काफी विकास देखने के लिए हम लोग को मिलता है। अब ये क्या है, यहाँ पर आप देख पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न जनन प्रेरक हार्मोन इन कार्यों को 11 से 13 वर्ष की उम्र में प्रेरित करने लगते हैं। आप देख पा रहे हैं यानी दोस्तों बालिकाओं यानी 11 से 13 वर्ष में जो हार्मोन होते हैं विकास करने के लिए शारीरिक संरचना को ये प्रेरित करने लगते हैं, और अंडाशय के अंदर उपस्थित पुटिकाओं के एस्ट्रोजेंस हार्मोन स्रावित होने लगते हैं, फलस्वरूप यौना प्रारंभ के लिए परिवर्तन होने लगते हैं। इन्हीं के प्रभाव के निम्नलिखित गौण लैंगिक लक्षण है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या इनके लक्षण लिखते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्तनों की वृद्धि तथा सुडौल होना, इनमें दुग्ध स्रावित दुग्ध ग्रंथियों का बनना, यानी कि दोस्तों जो स्तन होते हैं ये वृद्धि होंगे या सुडौल होंगे, यानी दुग्ध स्रावित यानी बनना भी प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या लिखता है, बाह्य जननांगों जैसे योनि लैबिया भगशिश्न आदि का समुचित विकास होने लगता है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, श्रेणी भाग का चौड़ा होना, नितंबों का भारी होना, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों बगल तथा जननांगों भगद्वार आदि के आसपास बालों का उगना, पांचवें पॉइंट में क्या लिखता है, स्वभाव में शीतलता तथा आवाज का महीन होना, मासिक स्राव तथा आवर्त चक्र का प्रारंभ होना। तो दोस्तों ये सब बालिकाओं के जो यौना अवस्था प्रारंभ होते हैं, तो ये सभी हम लोग के लिए देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे प्लेलिस्ट में हमने केमिस्ट्री संबंधित सभी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं, और अब हम दोस्तों धीरे धीरे बायोलॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम प्रोवाइड करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।